हेलो गाइस, और मेरा लंच बन गया है। और आप सब, पता नहीं आपके यहाँ मौसम कैसा है, लेकिन हम लोग के यहाँ कल से इतनी ठंड बढ़ गई है झारखंड में। झारखंड में भी गुमला में इतनी ठंड बढ़ गई है कि हम लोग को रात में फिर ब्लैंकेट निकालना पड़ा, तब हम लोग को नींद आया, इतना ज्यादा ठंडा। तो अभी फिलहाल ठंडी की बात को मैं रखती हूँ, क्योंकि 12:30 हो रहा है। और मेरा खाना तो देख ही सकते हैं, बन चुका है। आलू फूल गोभी की सब्जी है, दाल चावल है, और मुझे छानना है पकौड़ी। लंच हो चुका है, और लंच मतलब अभी हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन बन चुका है। तो मैं पहले अपना चूल्हा सेल्फ है, उसको इसकी मैं सफाई कर देती हूँ। ये मेरा सेल्फ बहुत ज्यादा ही ऊंचा है, बस मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। यहाँ बहुत पास में हो जाता है रखने से, कहीं वैसे जगह तो नहीं है ऊपर, तो मैं आपको यहाँ रख देती हूँ, मतलब कैमरे में मोबाइल को मैं यहाँ रख देती हूँ। रुकिए, मैं सेट कर दू। हाँ, परफेक्ट है। और ये मैंने प्याज कटिंग कर लिया है। लाल मिर्च जो हरी हो जाता, हरी मिर्च जो लाल हो जाती है वो है। तो बेसन में हम लोग ज्यादा तीखा डाल सकते हैं, क्योंकि बेसन थोड़ा तीखापन को रोकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा मतलब तेज खाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या डालूंगी। और मुझे आधा में याद है कि मैं नहा के इसको पसारी ही नहीं, मैंने आज ये बोरा धो दिया। इसमें हम लोग देखिए गेहूँ जो हम लोग पसारे हैं, इसको उठाएंगे और फिर आज ये पिसाने जाएगा, क्योंकि आटा भी खत्म हो गया। तो मैं इसको धूप में डालना ही भूल गई थी। कोई क्लिप है, यहाँ रख देते हैं। मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे याद है कि मैंने जो बोरा धोया था उसमें गेहूं डालना था, वो मैंने धूप में डाला ही नहीं, तो वही मैं डालने चली गई, क्योंकि अब ले थोड़ा टाइम लगेगा उसको सूखने में, और अच्छी तरह सूख जाए तो ही उसमें कुछ हम लोग डाल सकते हैं। बंद कर देते हैं। और ये मैं पकौड़ी में सिर्फ मिर्च डालती हूँ और अदरक डालती हूँ, बस। इसे इतना अच्छा टेस्ट लगेगा कि मत पूछिए। अदरक जो है हर कोई भी चीज में डालिए तो उसका टेस्ट एकदम दुगुना हो जाता है। चाय में डालिए या नॉनवेज कुछ में भी डालिए आप, तो एकदम बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, मैं मैदा भी ले आई हूँ, मैंने कुछ दिन पहले ही चाल के रखा था। और इसमें मैं मैदा के साथ डालूंगी चावल का आटा। चावल का आटा वो भी हम लोग को कोई गिफ्ट ही दिया था, मतलब दे दिया था ऐसे ही, उसके घर में ज्यादा था। तो ये चावल का आटा को मैं डालूंगी एक मुट्ठी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज, आलू का छानिए या फिर कद्दू का, बैंगन का, तो थोड़ा कुरकुरापन आता है। तो वो मैं बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। फिलहाल मैं इसको मिक्सी में एक बार चला लेती हूँ बिना पानी का। और ये देखिए, मैंने मिक्सी में चला लिया है। ये बेसन मैंने पहले से चाल के रखा था, मगर मैं फिर भी चाल दे रही हूँ, थोड़ा सा और बेसन लगेगा। और ये मैं डालूंगी चावल का आटा, थोड़ा सा ही, इससे क्या होगा कि कुरकुरापन आएगा थोड़ा। इसके बाद मैं डालूंगी नमक और ये हल्दी। और उसके बाद जो भी मिर्च है उसको मैं डाल दूंगी, मिर्च और अदरक मैंने। मसाला डालने से पूरा गला जलने लगता है, इसलिए हम लोग मतलब मैं मसाला नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है, अदरक का टेस्ट आ जाता है। ये देखिए, अभी और मैं डाली हूँ। हम लोग के लिए, तीन आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा है, आधा बनाऊंगी आधा शाम के नाश्ता में बनाऊंगी, मतलब चाय के साथ हो जाएगा हम लोग का। छोटा वाला स्कूल से आके सो गया है, क्योंकि एकदम बहुत जल्दी उठ जाता है ना, और कल से तो जैसे कि ठंडा भी बहुत ज्यादा है। 5:30 में उठ के फिर ट्यूशन फिर स्कूल, तो वो अभी सोया हुआ है। तो मैं बना लूंगी तब उसको उठाऊंगी खाने के टाइम।
और डाल देती हूँ। बस ये वाला हो जाएगा तो हम लोग के लिए काफी है। मैं सब्जी को थोड़ा सा गर्म कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने आज जल्दी सब्जी बना दिया था। और खा एक सेकंड, कोई आया है। अभी बहुत टाइम है लेकिन बच्चे आए हैं, लेकिन फिर भी मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलेगी। बच्चे जल्दी आ जाते हैं। तुम लोग बैठो, हम आ रहे हैं 10 मिनट में, ठीक है? हल्ला नहीं करना दृष्टि। और ये खाना छोटा वाला का रेडी है। दाल में मैं दही डालनी हूँ क्योंकि हम मैं दही नहीं जमा रही थी, तो छोटा वाला बोला मम्मी दही जमाओ, तो वही दही जमा रही थी। और आलू फूलगोभी की सब्जी है। नहाने के बाद मैं फेस में कुछ नहीं लगाई थी, इसलिए मैं एलोवेरा थोड़ा सा लगा ले रही हूँ। ऐसे तो मैं एकदम रूखा रूखा लग रहा है। तो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे आ गए और काफी शोर कर रहे हैं। और अभी शाम हो गई है और बच्चे भी जा चुके हैं, लगभग 5 बज रहा है। तो मैं ये सब जो भी बैठने का है सबको मैं उठा देती हूँ। और उसके बाद एक बार मैं झाड़ू थोड़ा सा लगा देती हूँ क्योंकि तो पेंसिल वगैरह छीलते हैं ना तो थोड़ा सा गिर जाता है, तो पूरा घर में अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो मैं सबको उठा देती हूँ। ये सब मैं यहाँ रखती हूँ। और ये इतना कचड़ा भी जमा करके चले गया, और ये मेरा पेन भी खत्म हो गया। ये देखिए इतना सारा कपड़ा मैंने धोया, तो चलिए अब इसको मैं फोल्ड करूंगी। और ये बिखरा हुआ था तो कितना ज्यादा लग रहा था, अब देखिए मैंने समेट दिया तो बिल्कुल भी कम हो गया। और मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं पानी पीती। और आज मैं, जैसे कि आपने देखा है कि मैं बोरा पसारने गई थी चावल का, ये देखिए, और ये बिल्कुल भी सूख गया है। तो चलिए इसमें गेहूं डाल देती हूँ। देखिए गेहूं धो करके सुखाने के बाद मुझे कितनी खुशी हुई कि देखिए मैंने धो के सुखा दिया। अब इसका हम लोग आटा पिसवाएंगे। जो किसान खेत में लगाते हैं उनको अपनी फसल देख के कितनी खुशी मिलती होगी, मैं यही सोच रही थी, मैं इतने में खुश हूँ। इसको भर देती हूँ और अभी गर्म ही है।
ये देखिए यही डस्ट है पूरा ये, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है डालने में। और ये देखिए गेहूं में से कितना गंदा निकला, थोड़ा बहुत इसमें गेहूं भी है। एकदम अच्छी तरह सूख गया, एकदम बहुत सुंदर लग रहा है चूने में। तब मैं इसको बांध देती हूँ तो ये पिसाने चला जाएगा। और ये मीशो से आया है, लड़कियों का रबर बैंड है, मगर देखने में अच्छा लग रहा था, मतलब पता नहीं इसमें कलर थोड़ा अजीब टाइप का है। अब देखिए पसंद आता है तो रखेंगे, नहीं तो वापस जाएगा, पता नहीं क्या बोलेंगी। देखिए अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है, वो भी लड़की है, उसी के लिए मंगाई हूँ। और अभी हम लोग का चाय हो रहा है, चाय में अभी हम लोग का थोड़ा सा लेट हो गया, और लेट इसलिए हुआ कि जैसे पहले हम लोग जब मैं शादी करके आई थी तो हम लोग जहां रेंट में थे तो बाबू तुम भी चाय बिस्किट खा लो, तो रेंट में थे तो उनका डेथ हो गया, अचानक से ही गिर उड़ गए, तो मतलब ब्रेन हेमरेज जैसा पता नहीं क्या हुआ था, मुझे उतना क्लियर पता नहीं है। तो वहां जाना था तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि अभी मैं आऊंगा, तो वो मतलब वो बोले कि वो आएंगे तो वो जाएंगे, तो हम लोगों को नहीं जाना, तो फिर हम लोग बोले चलो चाय बना के पी लेते हैं। हाँ अभी लगभग 9:15 हो रहा है और मैं रोटी बनाने जा रही थी, तो बोला कि मम्मी मुझे तेज खाने का मन कर रहा है तो आज रोटी मत बनाओ, आज हम लोग चाउमीन खाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ चाउमीन की तैयारी करने, बना लूंगी तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो अभी मुझे प्याज काटना है, जो भी उसमें का मसाला रेडी करना है वो मैं तैयारी करने जा रही हूँ, तो रेडी कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। टेन टेन डिनर इज रेडी, और आज हम लोग का चाउमीन, ये देखिए मुझे सॉस पसंद है इसलिए मैं सॉस को नहीं खाती हूँ, सॉस नहीं खाती हूँ, और इसमें पहले ही हम लोगों ने सॉस मिक्स कर दिया है। अभी हम लोग गोलमाल रिटर्न देख रहे हैं, बहुत कम है नहीं। और हम लोग का डिनर हो चुका है, काफी रात हो गई है क्योंकि मैं बिग बॉस देख रही थी, और बेसिन में सिंक में मेरे बर्तन ढेर सारा इंतजार कर रहा है कि मैं कब आऊं और उन सबको साफ करूं। ये देखिए ये बर्तन है, ये देखिए मैंने गैस चूल्हा सब, मैं रात में ऐसे एक सब साफ कर ही देती हूँ, और यहाँ मेरे बर्तन धोने का साबुन बरता क्योंकि कोई आसपास जगह नहीं है रखने के लिए, देखिए डल खुला ही रह गया, तो यहाँ रखती हूँ और उसको मैं साफ भी करते रहती हूँ। और सिंक भी मैंने धो दिया, देखिए कितना चमक रहा है, शाइन कर रहा है, और ये बर्तन सब मैंने धो दिया है।